स्क्वायर रूट, स्क्वायर की बात हम कर चुके थे, स्क्वायर रूट में भी हम देख चुके थे कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बनाने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, डिवाइड करना पड़ सकता है, ये सब चीज हम कर चुके थे। द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज ये सी में कैमरा पोजिशन इज नॉट ओके। लास्ट जो हमारा इसमें एक रह गया है कॉन्सेप्ट, दैट इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ये जो मेथड है आपका डिवीजन मेथड, ये परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए भी यूज हो सकता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए भी यूज हो सकता है। तो एक जनरल मेथड है जो डेसिमल नंबर्स पर, होल नंबर्स पर, परफेक्ट स्क्वायर्स पर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स पर, कहीं पर भी काम करता है, ये मालूम है आपको। तो अब हम एक छोटा सा नंबर लेकर के पहले शुरुआत करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर है जो हम ले रहे हैं, उसका आप स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम उसको करेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड से। नंबर इज 2916। हमें यूज करना है डिविजन मेथड एंड वी आर हियर टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2916। हाँ जी, मुझे बताओ पेयरिंग किधर से स्टार्ट करनी होती है मुझे? अगर होल नंबर है तो पेयरिंग किधर से, राइट हैंड साइड से कि लेफ्ट हैंड साइड से? कहाँ से पेयरिंग करने शुरू करूं? साइड से पेयर करते चले जाएंगे हम, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर। अगर पांच नंबर होते तो एक डिजिट अलग से बच जाती, दो पेयर्स आपके पास बन ही रहे थे। 8C में अभी बच्चे सारे विजिबल नहीं है, मैं मुझे ये कर्टन ज्यादा विजिबल हो रहा है। हाँ अब नहीं, अभी भी प्रॉपर नहीं है। अब उधर वाले दिख रहे हैं, इधर वाले नहीं दिख रहे हैं। अब बेटर है, अब बेटर है, नाउ इट्स ओके, मैक्सिमम दिख रहे हैं अभी। हाँ जी, तो हमने पेयरिंग करी फ्रॉम राइट हैंड साइड, वन पेयर इज ऑफ 16 एंड अदर इज ऑफ 29। अगला स्टेप क्या है? ये जो पहला पेयर पड़ा है इसके नियर जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, 29 के आसपास का स्क्वायर कौन सा? हाँ जी, 29 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा? तो हम क्या करेंगे? आई विल राइट 5 हियर, 5 हियर, 25। जब आपने नंबर्स की पेयरिंग करने शुरू करी है तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कोई पेयर बच जाए या सिंगल नंबर बच जाए, उसके आसपास के स्क्वायर के बारे में आपने सोचना है। यहाँ नंबर है 29, इसके आसपास का स्क्वायर 25। सो आई हैव डन 5 5 25। सब्ट्रैक्शन करें तो 4, और ये पूरा पेयर ही हमने अब नीचे लेकर के आना है। अगला स्टेप बताओ जी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो क्वोशेंट है इसका डबल यहां ले लेना है। किसी भी स्टेज पर जो आपका क्वोशेंट है उसका डबल आपको यहां रख लेना है। अब हमें ये जो मेरा डिवाइजर है इसकी अगली डिजिट क्या होनी चाहिए वो निकालना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। और हिट एंड ट्रायल में भी कैसे, जो यहां पर लास्ट डिजिट लोगे वही नंबर आपको लेना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ 1 लिया तो 1 से मल्टीप्लाई, ये 101 बना, बहुत छोटी वैल्यू है इससे। अगला ट्रायल 102 मल्टीप्लाइड बाय 2। जो भी डिजिट यहाँ आप रखेंगे अपने डिवाइजर में वही आपको क्वोशेंट में भी डिजिट ले जानी पड़ेगी, ये आपका रूल है इसमें। तो अगर हम करें तो ये हो गया आपका 402। 204 इज स्टिल अ वेरी स्मॉल नंबर एज कंपेयर टू 416। तो इस स्टेज पर आकर के जो भी आपके डिजिट है वो आपको हिट एंड ट्रायल से ही देखनी पड़ेगी, एक चीज। दूसरी चीज, यहां पर 416 आ रहा है तो मैं सीधा ही 4 पे ट्रायल ले लूं, क्योंकि 4 10 into 4 40। तो हो सकता है मेरे को डायरेक्ट आंसर मिल जाए। सो इस स्टेज पर आकर के, क्योंकि अब और कोई पेयर बचा नहीं है, सबसे पहले क्या किया, ये जो पेयर था इसका नियर अबाउट स्क्वायर ढूंढा 25। 5 5 25, सब्सट्रैक्शन करी 4, ये पूरा पेयर नीचे उतार लिया।
जो क्वोशेंट है उसका डबल किया। अब ये जो मेरा डिवाइजर है 10, इसकी जो अगली डिजिट है वो मैंने डिसाइड कैसे करनी है, उसमें सिर्फ एक चीज कि यहां जो आप डिजिट रखोगे उसी डिजिट से यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन देनी है। दिस इज द ओनली पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ 10 है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 40, ये 416 है, तो नियर अबाउट नंबर। आई एम ट्राइंग विद 5, 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 4 1 जा 4। तो अब मैं यहां पर अगर 4 और यहां पर 4 लूंगी तो मेरा नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया और स्क्वायर रूट क्या बन गया मेरा 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज 50। चलिए जी, अब आप मुझे करके बताएंगे। अब जितने पेयर होंगे उतनी बार आपको यहां पर क्वोशेंट का डबल करके और डिवाइजर की थर्ड डिजिट डिपेंडिंग अपॉन यहाँ क्या पड़ा है वो डिसाइड करनी। लो जी, आपके पास अब नंबर है 27, 2,74,576। यू हैव टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। सबसे पहला स्टेप पेयरिंग, पेयरिंग स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड इफ यू हैव होल नंबर्स। एट डी, ये जो बच्चे पहले बेंच पे बैठे हैं ये काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। चलो स्टार्ट योर पेयरिंग। वन पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। अगला स्टेप था जो लेफ्ट हैंड साइड पर सिंगल डिजिट बच जाए या पेयर बच जाए उसके नियर अबाउट स्क्वायर ढूंढना है। ट्वेंटी सेवन है, सो नियर अबाउट आपका जो स्क्वायर आ रहा है वो फिर से 25 ही आ रहा है। सो 5 5 25, ऑन सब्सट्रैक्शन 2 45, ये पेयर उतारा, इसका डबल 10। अब यहां पर है 245, यहाँ 10 पड़ा है, तो मुझे समझ में आता है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 10 को तो 20 आएगा, 3 से कर दूं तो 30 आ जाएगा, मतलब 3 पे तो जा नहीं सकता क्योंकि वो 300 समथिंग बन जाएगा, यहाँ तो 245 ही पड़ा है। तो दिस इज द वे यू हैव टू थिंक अबाउट। तो अगला मैं डिवाइजर में कौन सा डिजिट फिट करूं? टू, और डिवाइजर में 2 लिया तो मल्टीप्लाई भी 2 से करना है, ये मेरे ऊपर कंपल्शन है। तो यहाँ 2, यहाँ 2, 204। हाँ जी, सब्सट्रैक्शन करने पर मेरे पास बचा 41 और ऊपर से मैंने ये पेयर 76 का नीचे ले लिया। नाउ व्हाट इज द क्वोशेंट एट दिस स्टेज? 52 इज द क्वोशेंट, इसका डबल करना है। व्हाट इज द डबल? 04। ठीक है जी, जिस भी स्टेप पर आप आ रहे हो जब आप ऊपर से पेयर लाते हो तो आपको उस पॉइंट पर जो भी क्वोशेंट है उसका डबल यहां डिवाइजर में लिख लेना है। अब फिर से डिवाइजर की अगली डिजिट डिसाइड करनी है। यहां 10 पड़ा है, यहां 41 है, तो पहला ट्रायल मैं 4 से दे दूं, 4 × 10 40 होता है, वो एक्सीड भी कर सकता है और उसके आसपास भी बन सकता है। तो पहला ट्रायल हम क्या लेते हैं, डिवाइजर में लास्ट डिजिट 4 मल्टीप्लाइड विद 4, सी व्हाट आर यू गेटिंग? 4, 7, 6, 7, 6। यही आपके पास आ रहा है, तो यहां पे 4, यहां पे 4, 4 1 7 6, ऑन सब्सट्रैक्शन आई विल गेट 0। तो मेरे पास क्या बन गया है, ये अब आपका स्क्वायर रूट 24। चलिए जी, अब एक नंबर और दे रही हूं और अब मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूं, आप लोग करके मुझे जल्दी से आंसर देने वाले हैं। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सो एवरीवन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम बात क्या कर रहे हैं।
54,756। जल्दी से लॉन्ग डिविजन से स्क्वायर रूट निकाल के बता दो। 54,756। स्टार्ट पेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। यू मे बी लेफ्ट विद अ सिंगल डिजिट इन द एंड और पेयर। जिसका हो जाएगा जरा हैंड रेज कर देना। शाबाश, जल्दी जल्दी सब ट्राई करेंगे फटाफट। और जिसका हो गया, हैंड रेज हो गया है केट थेप से, ठीक है जी, पुट योर हैंड्स डाउन। आपका भी हो गया बेटा एट थे से? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी, योर माइक इज नॉट वर्किंग। माइक ऑन नहीं है, मे बी आपका आवाज नहीं आ रही है मुझे। माइक का वायर वगैरह एक बार चेक कर लो थोड़ा। मैम सर जो भी हो उनको एक बार बोल दो, थोड़ा देख लेंगे। ए थे कांट हियर यू। एथ डी से भी एक बच्चे का हो गया, फटाफट करो बच्चों, इतनी देर नहीं लगा सकते हम। एथ ई से भी कुछ हाथ खड़े हुए हैं, एथ डी से भी हुए हैं, बी से भी दो चार नजर आ रहे हैं मुझे, एफ से भी दो चार हैं। चलो ठीक है, फटाफट फटाफट 1 मिनट और दे रही हूँ, जिनका नहीं हुआ जल्दी से करो। हाँ जी, आंसर क्या निकाला? जिनका हो गया जल्दी से आंसर बोलिए। 234 234। यहां पर मुझे एट थे की आवाज नहीं आ रही है भाई। अब अपना माइक एक बार चेक करवा लीजिए। ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट 5। अब इसके नियर अबाउट स्क्वायर ढूंढना है। इसके नियर अबाउट जो स्क्वायर है दैट इज 4। तो क्या करेंगे? 2 2 4। पेयर 47 का नीचे लाए, क्वोशेंट 2 है, डबल किया 4। तो अब क्या करना है आपको? अब आपको डिवाइजर की नेक्स्ट डिजिट डिसाइड करनी है। यहां पड़ा है 14, तो अगर मैं 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करूं तो 16 मतलब एक्सीड कर जाएगा, लेकिन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 12 काम बन सकता है। सो 43 किया मैंने इसको, और डिजिट भी मेरी हुई 3। Yes. तो ये बन, हाँ जी, 129। 3 से करेंगे तो ये हुआ 129। अब मेरे पास 129 जब मैंने कर लिया तो सब्सट्रैक्शन करके 18 आ गया, और ऊपर से आया 56। पैर नीचे लाए हम 56 का। अब क्वोशेंट है इस टाइम पर 23, उस करना है डबल। 23 का डबल हुआ 40। अब इसकी नेक्स्ट डिजिट डिसाइड करनी है। यहां पड़ा है 18, अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 20 आएगा, इसको एक्सीड कर जाएगा, तो मैं किस पे ट्राई करूंगी? 4 पे। 464 इंटू 4 1856। 4 4 16, 1856 इससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4 से। इसका मतलब मेरा स्क्वायर रूट हो गया 234।
चलिए जी, नेक्स्ट नंबर है आपका 3,90,625। थ्री लैख 90,625। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। सो ध्यान से सब कोई करो। स्कूल में आप ऑलरेडी कर चुके हो, एक बार यहां प्रैक्टिस कर लोगे तो माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगा, गलती नहीं होगी। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी सारे ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे। अभी तक हमने जितने भी नंबर लिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स थे। अब इसके बाद हम ऐसा नंबर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और देखेंगे उसको हमने कैसे आगे चलाना है। हाँ जी, 8C से कोमल, कोमल फ्रॉम 8C। यस हाँ जी बेटा बोलो, कैसे करवाओ मेरे को, कैसे करूँ क्वेश्चन शुरू? हाँ yes. हम पहले 6 से मल्टीप्लाई करके 36 लेना। सबसे पहले पेयरिंग करनी पड़ेगी बेटा, पेयरिंग करने के बाद फिर 39 के पास वाला स्क्वायर ढूंढा, 36। हाँ जी, यस अब डिवाइजर में क्या करूँ? सिक्स हम 6 का डबल लेना। का डबल दैट इज 12। यस तो किस नंबर से ट्राई दूं मैं, 3 से कि 2 से? 2 से। 2 से, बिकॉज 3 लूंगी तो 12 3 सा 36, 30 को एक्सीड ही होने वाला है। सो 2 ले लिया हमने, जब 2 लेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 244। 244। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो मेरे पास आ गया 62, और ऊपर से आया पैर 25। अब बोलिए जी, किसका डबल करना है मुझे बेटा? 62 का 62 का। व्हाट इज द डबल ऑफ 62? 124। 124। किस नंबर पर टायर लू मैं बेटा? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। 8 है। नो नो वॉइस, कांट हियर यू। 8 है। हाँ जी, यहाँ है 62, यहाँ 12 पड़ा है, सो विच नंबर आई शुड गो विद? 1 2 4 5, और 5 से करेंगे तो 5 5 25, 5 4 20, 25 6 2 2 5। आपका ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, सो योर स्क्वायर रूट इज 625। ठीक है जी बेटा, बैठ जाइए। नेक्स्ट नंबर है आपका 7,896। 7,896। सबसे पहले मुझे बताओ, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? करो जरा ट्राई, शुरू करो तो पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कहीं जा करके रिमाइंडर 0 हुआ या नहीं दोनों पेयर्स में। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी। एट डी से अमनप्रीत, अमनप्रीत फ्रॉम 8D। हाँ जी बेटा, ये पेयरिंग मैंने कर दी आपकी, एक पेयर बना 96 का, एक 78 का, तो सबसे पहले नंबर क्या लूंगी मैं? 8। वेरी गुड, 8 से लिया तो 8 8 जा 64, रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? 14। ऊपर से लिया 96, अब डिवाइजर में क्या लेना है बच्चे? बोल बेटा, अगला स्टेप क्या करूं?
8 8 जा 64 कर दिया, इसको सब्सट्रैक्ट किया 14, ऊपर से पैर उठा रहा 96। अब डिवाइजर में क्या लेना है मुझे अमनप्रीत, कुछ तो बोलो बेटा, क्या करना होता है, किसका डबल करना है मुझे? हेलो हेलो, हाँ दोबारा बोलो बेटा, स्टिल हो गया था अभी। 16 16, वेरी गुड, 8 का डबल 16। अब किस नंबर पर ट्रायल रूम है, यहाँ 149 है, यहाँ 16 है। चल बेटा करके देखो कॉपी पेन पे, चलो बैठो बैठो, करके समझ में आएगा, जल्दी से करो, और फिर मैं 1 सेकंड के बाद दोबारा आप किसी और को बुला के पूछने वाली हूँ। जल्दी जल्दी देखो किस नंबर पर ट्रायल लेंगे अब आप। एट्थ एफ से सिमरन, सिमरन फ्रॉम एट्थ एफ। लेफ्ट, ओके जी, सोनू, एट्थ एफ से सोनू। हाँ जी, क्या हो गया? हाँ बेटा बता बेटा, किस नंबर से अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं? 9 से, 16 नाइनजा क्या होता है? हो सकता है पॉसिबल भी, 16 नाइनजा 4। चलो एक बार करके देख लेते हैं। हाँ जी, अब हेलो हेलो, 8 थे दोबारा बोले, नहीं आ रहा, ए थे, आई कांट हियर यू। हाँ जी, 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 81, 8 54, और 8 62, 9 and 6 एक्सीड कर गया, 1721 बन गया, 1496 था। इसका मतलब 9 से बात नहीं बनेगी, किस पे जाना, किस पे करना पड़ेगा मुझे, 8 पर। लो जी, 8 पर करें तो क्या आएगा, 1344, और यहां हमने लिया 8। अब भी आप देख रहे हो कि आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, पैर मेरे फिनिश हो गए हैं, लेकिन मेरा रिमाइंडर 152 पड़ा हुआ है अभी। इसका मतलब ये 7896 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर मैं बोलूं कि 7896 का स्क्वायर रूट निकालो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्या करना है मुझे? परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ये, तो समझ में आ गया है मुझे, लेकिन मुझे स्क्वायर रूट निकालना है फॉर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगला स्टेप कौन बताएगा मुझे, क्या करना है मुझे? हाँ जी, 8th D से द स्टूडेंट, मिडिल रो फर्स्ट बेंच। हाँ जी, दोबारा बोल बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। कोई बात नहीं, आप बैठिए सीट पे बैठिए, क्या करना है आपको, इस पर अब डेसिमल लगा देना है और 1 0 का पैर ले लेना है। व्हाट यू नीड टू डू, पुट अ डेसिमल साइन एंड टेक अ पेयर ऑफ जीरोस। अब ये पेयर मैंने नीचे उतार दिया, और अब क्या करना है मुझे, 88 का डबल करूं 170। अब मुझे फिर से डिजिट ढूंढना है जिसके साथ हम काम कर पाए, ये 152 है, ये 17 है, 17 के टेबल में 152 कहाँ पर आता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम अपने डिजिट के बारे में सोच सकते हैं। हाँ जी,
जब भी यहाँ पर ये नंबर जितना बड़ा होता जाए, जैसे हम 9 के आसपास देख रहे हैं, तो 9 से एक छोटा ही ट्राई करो, 8 पे ट्राई करो इसको, 1768 मल्टीप्लाइड बाय 8, बोलो जी कितना आएगा? मेरे पास आएगा ये 141 14144 डिजिट यूज्ड इज 8। रिमाइंडर केसेस नाउ 1056, रिमाइंडर इज 1056। अब जब आप क्वोशेंट का डबल करेंगे तो ये डेसिमल को भूल जाओ अभी के लिए, मुझे जो डिवाइजर अब लेना है। अब एक तो एक पेयर, और क्योंकि टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक बोला तो दो पेयर जीरो जीरो के मुझे लेने पड़ेंगे, एक बात। दूसरी बात, ये जो आपका क्वोशेंट है इसके डेसिमल को छोड़ करके ही मुझे नंबर्स का डबल करना है। डिवाइजर लेने के लिए वी विल नॉट बी कंसिडरिंग द डेसिमल पॉइंट दैट इज देयर इन द क्वोशेंट। 888 का डबल करूं तो क्या आएगा? वन सेवन सेवन सिक्स। कोई आवाज नहीं आ रही है 8 की। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ के तुम काम पे ध्यान दो, कोई बात नहीं। आंसर नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस तो करो, नहीं कर पाओगे आंसर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, 1776, और यहाँ आपके पास 1056 00 पड़ा है, डिजिट बोलो क्या? 17 6 102 होता है, लेकिन क्योंकि मैंने वो बोला ये नंबर जैसे जैसे बड़ा है, 102 की बजाय 8 का ट्रायल दो। डिस्टरबेंस आ रही है बहुत ज्यादा, 8 बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। हाँ जी, ऑडिबल तो है लेकिन बहुत डिस्टर्ब्ड वॉइस है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है वॉइस। वॉइस क्रैक कर रही है बहुत। आप माइक ऑफ कर दो, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस कर लो, एक दिन आंसर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो करो, नहीं कर पाओगे आंसर तो ओके, माइक ऑफ कर दो, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है बेटा, स्विच ऑफ योर माइक। हाँ जी, तो अब हम डिवाइजर में जो नेक्स्ट डिजिट लेने वाले हैं दैट विल बी 5। 17 6 102, लेकिन बहुत नियर अबाउट है 105 के, सो एक पीछे का ही ट्रायल देंगे हम। 1776 के साथ जो डिजिट मैंने ली दैट इज 5। करो जी अब 5 से इसको मल्टीप्लाई और बताओ क्या आ रहा है। आर यू गेटिंग 88,825? क्योंकि मुझे दो प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही बोला था तो इसके आगे क्या हो रहा है आई एम नॉट बॉदर्ड। ठीक है जी, अगर यही मुझे 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक बोला जाता तो फिर से वही प्रोसेस, 100 उतारते, इसका डबल करते, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वही प्रोसेस हम आगे चल पड़ते। इसका मतलब अगर आपके नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं तो आपको क्या करना है, पेयर ऑफ जीरोस आपको उतारते जाना है, प्रोसेस से सेम है, उसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। चलिए जी, अब हम चल रहे हैं असाइनमेंट में, कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हुए हैं, एक बार उनको हम जल्दी से देख लें फिर आगे चलेंगे। असर्शन रीजन देखो जी, पहले मॉड्यूल 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का मॉड्यूल 2 असर्शन रीजन।
लो जी, assertion reason में क्या है आपके पास? पहला assertion says square root of any number has two values, a positive and a negative. Is it okay? अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करूं तो मेरे पास दो आंसर्स आते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ये हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि अगर हम सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 81 कर रहे हैं तो हम जो कंसिडर करते हैं वो 9 करते हैं, बट एक्चुअली देर आर टू पॉसिबिलिटीज. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इफ यू रिमेम्बर. स्क्वायर रूट ऑफ 81 कैन बी रिटन एज -9 का स्क्वायर, कैन बी रिटन एज 9 का स्क्वायर. तो मेरा आंसर -9 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, लेकिन हम जब स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करके चल रहे हैं, नेगेटिव कंसिडर नहीं कर रहे हैं. सो असर्शन है मेरी ट्रू, असर्शन इज ट्रू. स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर हैज टू वैल्यूज, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव. रीजन दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18. जल्दी से बोलो, इज इट ओके और नॉट? 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है या नहीं? बिल्कुल. अगर आप इसको लॉन्ग डिविजन से चाहें तो भी कर सकते हैं, डबल किया टू. तो स्क्वायर रूट इज 18. इसका मतलब रीजन भी ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का, इसलिए आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 274576 इज 4. बताओ जी, गलत है, क्योंकि यहाँ तीन पेयर बन रहे हैं और अभी हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर है तो जितने पेयर या एक जो बच जाता है उसके अकॉर्डिंग ही मेरे पास स्क्वायर रूट में डिजिट्स आती हैं. यहां पर मेरे पास स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होनी चाहिए? थ्री डिजिट्स, बिकॉज आई एम हैविंग थ्री पेयर्स, सो द स्क्वायर रूट मस्ट कंटेन थ्री डिजिट्स. सो असर्शन हो गया है आपका फॉल्स. रीजन दिया, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ एन डिजिट्स देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव एन बाय टू डिजिट्स इफ एन इज इवन. देखो जी, यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 6, इवन है, तो इवन होने पर हमें क्या कहा गया कि स्क्वायर रूट में एन बाय टू मतलब तीन डिजिट्स. इज इट ओके? यहां पर 6 नंबर हैं तो स्क्वायर रूट में तीन डिजिट्स आनी है, वो हमें मालूम है, और इसको हमने जनरलाइज कर दिया कि अगर नंबर में एन डिजिट्स हैं, एन इवन है, तो मेरे पास स्क्वायर रूट में एन बाय टू डिजिट्स जाने वाली हैं, और अगर आपका एन ऑड है तो फिर एन प्लस 1/2 डिजिट्स होंगी आपके स्क्वायर रूट में. सो असर्शन था फॉल्स, रीजन है ट्रू, सो आंसर इज. अब देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7, एमसीक्यूज 7th एमसीक्यू हैव टू लुक फॉर. क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16800 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? अगर मेरे से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बारे में बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. जो एक नंबर बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो सिंगल नंबर बचा उससे मल्टीप्लाई कर दो या उससे डिवाइड कर दो, दोनों ही केसेस में परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है. लेकिन यहां बात की क्या जा रही है? सब्ट्रैक्ट करने की बात की जा रही है. जब भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन की बात आएगी टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा लॉन्ग डिविजन मेथड से. निकालो जरा, क्या निकालोगे देखें.
जी ऑब्वियसली आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब आपका रिमाइंडर तीनों जो तीन आपके पास दो पेयर और एक सिंगल आ रहा है उसके बाद क्या रिमाइंडर बच रहा है वो बता दो मुझे। 16,800 इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, 159 बच रहा है। हाँ जी सबका बच रहा है रिमाइंडर 159। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 159 माइनस कर दूं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? देखो हमारे पास 16,800 है, ये पेयर ये पेयर ये सिंगल, वन सबसे पहले वन पे ही जा रहा है, 68 डबल किया टू, हाँ जी अब किस नंबर से जाएगा? टू, टू से हम इसको करेंगे तो ये आ गया आपका फोर। और अगला पेयर आना है ट्वेंटी थ्री, थ्री जा करेंगे तो अच्छा 69 हो जाएगा। ठीक है जी, अब 12 का डबल किया तो आया 24। 34 अब किससे, 9 से ट्राई करें या 8 से, किससे? 9 से, चलो 9 से ट्राई करते हैं क्या आएगा। डबल टू फोर वन, रिमाइंडर बच गया मेरे पास 159। इट मीन्स यहां पर 9 यहां पर 9, इट मीन्स व्हाट आई नीड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम माय नंबर 150। 16,800 में से 159 सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं तो मेरा आंसर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 16,641 इज वॉट आई एम गेटिंग द आंसर एज। क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? जल्दी से देखना जरा, एक प्रैक्टिस ही हो जाएगी। निकालो 16,641 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होगा क्या? 129 ही होगा, यहीं पे चल रहे थे ये, जब आपने 159 से रिड्यूस किया ये भी 2241 ही बन करके आ जाएगा आपके पास, और स्क्वायर रूट हो जाएगा उसका 129। सो वेन एवर यू आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल टेक द स्क्वायर रूट यूजिंग डिविजन मेथड, और एंड में आकर के जब सारी डिजिट्स को आप एग्जॉस्ट कर चुके हो, सब कुछ यूज कर चुके हो, जो बच गया वो इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो पहले तो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एरिया ऑफ सिंगल शेडेड पोर्शन इज 5607। यहां पर आपको फिगर दे रखा है इतना पार्ट जिसमें इसको एक्स कहा गया, इसको एक्स कहा गया, ये सिंगल स्ट्रिप से शेडेड है, ये एरिया है 5607। अब आपको पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन डबली शेडेड, इस पार्ट को मैंने डबल शेड कर दिया है और पूछा गया इसका एरिया बताओ, क्या समझ में आता है इसको? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन हियर? मैं ये दो फिगर अलग अलग ड्रॉ कर देती हूं, एक ये जो इनिशियल एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है 5607, और दूसरा मैं क्या करना चाह रही हूं, मैं ये एरिया इसमें ऐड कर दे रही हूं सो दैट
जो मेरे पास फाइनल फिगर है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ये अभी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, दिस मच पार्ट इज मिसिंग। अगर मैं इतना पार्ट इसमें ऐड कर दूं तो ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। कुछ एरिया मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा इसके करस्पॉन्डिंग, सो दैट दिस बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, कैन आई से व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5607 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? ये बात मालूम है, हमने शुरुआत ही यहीं से की थी कि जब हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है एक साइड एक्स दूसरी एक्स, तो ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है मेरे पास। अगर मान लो परफेक्ट नंबर 25 की बात करें तो उससे जो स्क्वायर बनेगा फाइव साइड का बना। अगर हम 81 की बात करें तो जो स्क्वायर बनेगा वो 9 सेंटीमीटर की साइज का बन जाएगा। 100 की बात करें तो 10 सेंटीमीटर की साइज का बनेगा। अब यहां पर मुझे कहा गया कि ये जो एरिया है ये कितना है, 5607। सो आई शुड बी एबल टू मेक आउट कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना पा रहा। ये बात समझ में आती है सभी को? नहीं। अगर मेरे पास कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि हमने बात की 25, क्या 25 को आप बोल सकते हो दिस इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर? जल्दी से बोलो। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है 81, ये एक ऐसे स्क्वायर का एरिया है जिसकी साइड लेंथ है 9 सेंटीमीटर। यहां पर जो एरिया रिप्रेजेंट करके दिया गया, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? सिंगल शेडेड वाला, इज इट द परफेक्ट स्क्वायर? नहीं है। और एरिया कितना बोला गया इसका, 5607। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो कंप्लीट स्क्वायर, जैसे 25 से कंप्लीट स्क्वायर, 81 से कंप्लीट स्क्वायर बना, इससे भी कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए था, अभी नहीं बन रहा है। अब मुझे कहा गया कि मैं इसमें ये कितना एरिया ऐड कर दूं, तो कैन आई रीफ्रेम माय क्वेश्चन एंड से व्हाट शुड बी एडेड टू 5607, व्हाट शुड बी एडेड टू 5607 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बताओ जी, कैसे कर सकते हैं हम कि नहीं? ये बात समझ में आई है किसी को? बच्चों सिर्फ आप स्क्वायर स्क्वायर रूट पढ़ रहे हो, जब सीधा क्वेश्चन आ गया समझ में आ गया नहीं, उसकी इंटरप्रिटेशंस भी तो समझ में आनी चाहिए ना। जब हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं इसका मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो ऐसे वो स्क्वायर्स के एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आती है सबको? जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, लेट अस से 121 है, तो ये 121 क्या ऐसे स्क्वायर का एरिया रिप्रेजेंट करता है जिसकी साइड 11 सेंटीमीटर हो? यस और नो? यस मैं जो बोल रही हूं वो कितनों को समझ में आ रही है बात? अभी तो चलो इसको छोड़ दो, अभी सिंपल ये बात बताओ, अगर मैं कहूं कि कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो एक स्क्वायर का एरिया रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये बात ठीक है या गलत है? Is it okay or not? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर्स मिलते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो नंबर मिल रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर भी आपको कैसे मिलता है, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करके ही मिलता है। इसका मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो किसी ना किसी स्क्वायर का एरिया रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट ओके और नॉट, टेल मी दिस। ओके जी, अब जो यहां पर आपको ये वाला एरिया दे रखा है, ये एरिया दिया है 5607, तो क्या आप ये जो शेडेड पोर्शन दिया है और ये जो नंबर दिया है, क्या मुझे बता सकते हो कि ये 5607 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है?
नहीं, नो क्योंकि ये पूरा स्क्वायर तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मुझे क्या कहा गया कि इस एरिया में ये एरिया ऐड कर दो ताकि क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका मतलब अब ये जो पूरे का एरिया है दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, व्हाट शुड बी एडेड टू 5607 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, जो हमने सेवेंथ क्वेश्चन में किया था वहां हमने किया कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अब हम कह रहे हैं क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर आपको याद हो, वी स्टार्टेड विद द एक्टिविटी कि 25 को अरेंज करो, तो आपने 5 रोज 5 कॉलम में अरेंज कर दिया था। फिर हमने 28 को कहा तो 3 बच रही थी, मतलब या तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं या तो फिर इसमें क्या ऐड कर दूं, 8 ऐड कर दूं, दोनों केसेस में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। ठीक है जी, यहां पर भी अब मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और मैं ये पूछ रही हूं कि इसमें क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है जी, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5607 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप यूजिंग लॉन्ग डिविजन। निकालो जरा, क्या निकालोगे, 5607 का लॉन्ग डिविजन से स्क्वायर रूट, जल्दी जल्दी बता दो जरा। फाइव सिक्स जीरो सेवन का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिविजन से 74, एंड आर यू लेफ्ट विद सम रिमाइंडर और समथिंग। ये तो आपने यहां से किया तो हमारे पास 7 7 49, डबल किया 14, किस पे जा रहा है, 4 पे। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो यहाँ पर रिमाइंडर जो बचता है इसमें से निकाल देते, काम हो जाता। अब ध्यान से सुनना क्या करना है मुझे, ये जो नंबर है क्या ये 74 का स्क्वायर एंड 75 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, क्या ये बात समझ में आती है। क्योंकि यहां पर अगर ये पूरा डिविजिबल हो जाता तो स्क्वायर रूट 74 हो जाता, पूरा डिविजिबल नहीं हुआ, इसमें आगे आगे चलूं तो पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आ जाएगा मेरे पास। इसका मतलब ये जो 5607 है ये मेरा नंबर 74 के स्क्वायर और 75 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। अब 74 के स्क्वायर से बड़ा हो गया तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब किसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको। 75 निकालो 75 का स्क्वायर क्या होगा, पिछली क्लास में हमने किया था कि अगर 5 से एंडिंग कोई नंबर है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 25, 8 into 7। ठीक है जी, इसका मतलब अगर मैं इस नंबर को 5625 बना दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे 5607 में, 18 ऐड करना पड़ेगा। सो दैट इज योर आंसर, यू हैव टू ऐड 18। तो अब आपको 4 बातें हैं, कोई भी एक नंबर दे करके आपको कहा जाए किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किसी नंबर से डिवाइड कर दो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उसके लिए आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो पेयर नहीं बनता, जो एक सिंगल नंबर बच जाता है, उसी से मल्टीप्लाई या उससे डिवाइड करने पर आपके आंसर्स परफेक्ट स्क्वायर मिल जाते हैं। तीसरी बात, आपको कहा जाए कुछ ऐड कर दो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे हम यहीं पे देख लेते हैं, अब मेरा यहां पर रिमाइंडर आएगा 131। अगर मुझे कहा जाता इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैं सीधा सीधा 131 मेरे रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्या ऐड किया जाए, जब क्या ऐड किए जाए की बात है तो अब रिमाइंडर क्या है वो मेरा कंसर्न नहीं है। अब मुझे देखना है मेरा क्वोशंट क्या आ रहा है, क्वोशंट आ रहा है 74।
इसका मतलब ये जो नंबर है ये 74 और इसका अगला नंबर 75 उनके स्क्वेयर्स में कहीं इन बिटवीन लाई कर रहा है। अब 74 से तो बड़ा हो चुका है और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किसका बनाना पड़ेगा, 75 का ही बनाना पड़ेगा। अब अगर 75 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहले 75 का स्क्वायर निकाला, उसका इससे जितना डिफरेंस है दैट विल बी योर आंसर। सो आंसर इन दिस केस इज 18। इज इट ओके? यस चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास डेसिमल नंबर्स आ जाएं तो फिर मुझे उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। आपके पास नंबर है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देखो जी, 73469.186704। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, क्वेश्चन नंबर टू मॉड्यूल का। सबसे पहली बात, जो होल पार्ट ऑफ द नंबर है उसकी पेयरिंग शुरू होती है राइट हैंड साइड से, और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की पेयरिंग कैसे शुरू होती है, राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से, रिवर्स चलता है दोनों में पेयरिंग का कॉन्सेप्ट। होल नंबर्स हैं राइट हैंड साइड से पेयरिंग करते हैं, डेसिमल पार्ट की पेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। आगे का काम सेम, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लो जी जरा करो, यहां तक पहुंचाओ पहले, फिर डेसिमल की बात करते हैं। फटाफट करो जरा लॉन्ग डिविजन से। चलिए जी फटाफट फटाफट, 2 मिनट रह गए हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी कर दो। हाँ जी निकालो जल्दी से। पहला नंबर 2, डबल किया 4। हाँ जी, अब किस पे, 7 पर, 7 पे करें तो 329। आगे चलेंगे तो 5 और ऊपर से आया 69, 27 का डबल 54, तो आप 1 पे ही जाएगा, सामने से ही दिख रहा है। 1 से करेंगे तो आ गया 541, 28। अब यहां पर डेसिमल पड़ा है, यहां भी डेसिमल लगा दिया हमने। चलिए अब ये वाला पेयर नीचे लेके आए 18, 271 का डबल 542, 42। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? नहीं, यहां पर डेसिमल था, जहां तक तो डेसिमल नहीं है वो तो नॉर्मल चलते रहे। जैसे ही जिस नंबर का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है उसमें डेसिमल आ गया, क्वोशेंट में भी डेसिमल लगा दिया और उसके अगले वाले पेयर को नीचे ले आया। बाकी का काम सेम, क्वोशेंट का डबल। अब देखो क्वोशेंट बन रहा है आपका, डिवाइजर बन रहा है 542, ये 2818, इसके साथ में कुछ भी नंबर और लगा दूं तो क्या डिविजिबिलिटी हो पाएगी, हो जाएगा मेरा नंबर। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो नॉर्मल डिविजन में भी हम क्या करते हैं, जीरो डाल लेते हैं और अगले पैर नीचे उतार लेते हैं। अब मुझे जो स्क्वायर करना है, डबल करना है, 27102 का डबल मुझे करना है क्योंकि स्टेज पर मेरा क्वोशेंट है 2710, 5420। अब ये जाएगा आपका 5 पे जाएगा, ठीक है जी। बस आगे की बात तो वही है, सेम जो करते आ रहे हो वही करना है। हम
ठीक है जी, तो ओनली थिंग इज वेयर एवर यू गेट अ डेसिमल इन द नंबर विच हुज स्क्वायर रूट इज टू बी कैलकुलेटेड, यू हैव टू पुट अ डेसिमल इन योर क्वोशेंट ऑल्सो, डबल करना, एवरीथिंग इज सेम। एक जो यहाँ पर हमारे पास बात आई कि यहाँ 2818 आ रहा था, ये 542, अगर इसके साथ कोई भी डिजिट मैं ऐड करूंगी तो ये डिवाइजर बड़ा हो जाएगा डिविडेंड से, डिविजन नहीं हो सकती, इसीलिए हमने यहाँ पर जीरो कर दिया। और फिर से वही काम, 2710 का डबल, ये डेसिमल को भूल जाएंगे और जो कंप्लीट नंबर है उसका डबल करके हमें चलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो एक बार दोनों मॉड्यूल जो है आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के उसको देख लो, कोई दिक्कत है तो बता दो, अदरवाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑफ विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वर देयर इन योर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। किसी को कोई चीज जो पूछनी हो, कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो वो बता दो। चलिए जी, इफ इट इज ओके विद यू, चैप्टर आई हैव फिनिश्ड ऑफ एट माय एंड। चलिए ठीक है बच्चों, ओके जी, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर है 271.052, बी आंसर, बी पार्ट। Why has it already asked?